थोड़ा सा बैक आ जाए। हमें तो जिताना है भारतीय जनता पार्टी को, और इतनी भारी संख्या में आए हैं यही कहने के लिए तो मैंने उनको यही कहा कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तैयार ना सब? तय है ना? तैयार हो ना सब माता बहने? आपने तैयार किया है, हमें तो आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे भी यहाँ राम राम करने के लिए बुलाया तो मैं भी आपको राम राम करके जाऊंगी, और मैं ये विश्वास यहाँ से लेके जाऊंगी कि सब लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए उन सब लोगों को 1 तारीख को ये समझ के जाएंगे कि अपना वोट है, ये समझ के जाएंगे कि हम लोग सब कमल के फूल पर मोहर लगाएंगे, ये सब मान के जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको बनानी है, और ये सब कह के सबको जाएंगे कि ये नया राजस्थान का एक नींव डालने का काम हम लोग करने आए। बात सही है कि नहीं? तो इसीलिए मंच पर हमारे उपस्थित आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नंदलाल जी, दरियाबाद के प्रत्याशी गौतम लाल जी, साथ साथ भाइयों को ये कहने आई हूँ कि कांग्रेस तो झूठ बोलती है, वो हम सब तक कोई भी अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया है। आप लोग प्लीज हट जाओ यहाँ से। घोषणा पत्र पूरा नहीं किया है, राइट? नहीं किया ना? घोषणा की उन्होंने, ये कहा 349 घोषणा में से 342 घोषणाएं हम कर ली। मैं तो खाली 2-4 आपके सामने रखूंगी, बताना फिर पूरा हुआ कि नहीं, झूठ का पुलिंदा है कि नहीं। सबसे पहले बिजली 24 घंटे मिली किसी को? बिजली किसान की 8 घंटे मिली किसी को? बिजली के दाम हम बढ़ाएंगे नहीं, 9 बार बढ़ गए ना? हाँ, 30 दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन मिला किसी को? 10 लाख नौकरी किसी बच्चे को मिला? जो नियुक्ति डॉक्टर टीचर की खाली पड़ी है उसमें कोई नियुक्ति आके जैसे दिल्ली के अंदर वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे किसी को दिया? जो हमारे पंचायत लेवल के, उनने ये कह दिया कि जो पंचायत ग्रामीण सेवाओं की है उसके अंदर 1 लाख नौकरी देने का हम काम करेंगे, मिला किसी को? अब ये तो मैं कुछ तो हमने सबको कह दिया है कि हमने भामाशाह योजना बनाई थी 2008 के अंदर, अगर पूरी हो जाती तो 800 करोड़ रुपए द्वारा हम हमारी महिलाओं के द्वारा लाखों लोगों को अपने बैंक अकाउंट खोलने का काम करा देते, उनको कार्ड भी देते, उस कार्ड के ऊपर 30,000 रुपया का स्वास्थ्य बीमा भी मिल जाता, और साथ साथ आपकी पेंशन की अव्यवस्था नहीं होती। उस दिन से लेके आज तक आपको आराम से घर बैठे पेंशन मिलती, ये जो अफरा तफरी में इधर उधर भागा दौड़ी हो रही वो नहीं मिलती। आप लोगों को मिलेगा, जो काम अच्छा है वो काम अच्छा आपको कराया जाएगा, व्यवस्थित रूप से आप तक पहुंचाने का काम करेगा। अब हम मोदी जी आए थे तो मैंने अनुसूचित जनजाति के लिए को कुछ TSP एरिया के लिए मैंने कुछ बातें कही थी। सबसे मैंने ये कहा था कि हम लोग जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए TSP एरियाज के अंदर एक अलग से सर्विस कार्डर का गठन करेंगे ताकि सब वर्गों को इस क्षेत्र के अंदर कुछ काम करने का मौका मिलेगा। फिर आपके जो प्रशासनिक ढांचा जो है वो अब बहुत बड़ा हो गया है तो हमने कहा करेंगे, और फिर से नए तरीके से छोटे ब्लॉक और उपखंड का गठन करा के आपके प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो सके ऐसी परिस्थिति बनाने का काम करेंगे। फिर मैंने ये कहा था कि हाडी रानी बटालियन मैंने बनाया था जयपुर के अंदर, इसी तरीके से महाराणा प्रताप पुलिस बटालियन का यहाँ गठन करने का हम काम करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को की भर्ती हो सके। इस क्षेत्र के अंदर जो लघु और सीमांत काश्तकार हैं उनकी ऋण माफी की योजना बनाई जाएगी। उसके साथ राजस्थान फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2012, इसके अंदर ग्रामीणों के हितों के विपरीत जो लाए गए प्रावधान हैं उनको संशोधित पुनः संशोधित करके
और अपने क्षेत्र के अंदर लगाया जाएगा। जैसे आपका सूखी लकड़ी लेके जाते हो, जैसे अगर आपने जानवर पकड़ा जाता है तो आप 50 बार आपको फाइन देना पड़ता है, और इसका मतलब ये भी है कि कभी जेल भी जा सकते हो 6 महीने के लिए। तो इसका पूरा का पूरा फिर से एक दफ़ा देखेंगे, उसको फिर से नई तरीके से गठन करने का काम करें। और इसी क्षेत्र के अंदर ग्रामीण सड़कों को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे से जोड़ा जाएगा, ताकि ग्रामीणों को आने जाने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे आपको निकलना नहीं पड़ेगा जिस तरह से अभी निकलना पड़ रहा है। और 10 वर्षों से जो जनजाति क्षेत्र के जंगल की जमीन के ऊपर बसे हमारे आदिवासियों के कब्जे के प्रकरणों का विधिक परीक्षण इसको करके नियमन की दिशा में हम बहुत जल्दी उसको सार्थक प्रयास दिलवाने का काम करेंगे। पिछले बार भी बहुत सारे लोगों का काम हो गया था, पर बहुत सारे लोग रह भी गए थे, उनको पूरा उसको पुनर्गठन पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। मैं इसीलिए आई, मैंने कहा आप लोगों को मैं ये कह दूं कि ये सब काम आपके हो जाएंगे, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ एक बात और कहूँगी, जो दुष्ट लोगों ने 65 साल से राज किया, जिन दुष्ट लोगों ने हमारी महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर हाथ डालने का काम किया है, जिन दुष्ट लोगों ने बच्चियों तक को नहीं छोड़ा है, जिन दुष्ट लोगों ने मूक बहिरों के, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, ऐसी बच्चियों के साथ भी अत्याचार करने में, अनाचार और दुराचार करने में उनको नहीं छोड़ा है, जो दुष्टों ने अपने परिवार की आबरू, अपनी महिलाओं की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, उन दुष्टों को उनकी औकात बताने का काम आप 1 तारीख को कमल का फूल खिलाकर जोरदार तरीके से करने का काम करोगे। जिन दुष्टों ने महंगाई को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और फिर गरीबों के इस गांव के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है, ये कह के कि गरीब तो अपनी वजह से गरीब है, गरीब की वजह से महंगाई है, डाक बना रहे हैं, जो हमारे जले के ऊपर नमक डालने का काम कर रहे हैं, क्या उनको उस कुर्सी पे बैठने का मौका दोगे? मैं तो आपको ये कहने आई हूं कि वो जो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर पूरे राजस्थान को कहीं नहीं छोड़ा, ऐसे भ्रष्ट और दुष्टों को जिन कहते हैं आपके बीच में जाके कहते हैं कि हम तो आपका चौमुखी विकास कर रहे हैं, पर कर रहे हैं अपना चौमुखी विकास, अपने फ्लैट ले लिए बंबई में, अपना पैसा जमा कर दिया सेठों के पास, अपने बच्चे के 2-2 होटल बनवा लिए, अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवा दी, जो बचे कुचे रिश्तेदार थे उनको खान बंटवा दिए। कांग्रेस पार्टी का ये सबसे बड़ा जिसको कैबिनेट कहते हैं, उसके 5 मंत्री उनको अपने पद छोड़ के, आप कहाँ हो, अब 65 साल हमारे पास नहीं है, अब हमको अपना काम करना है, हमको अपना चौमुखी विकास करना है, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। क्यों भैया, तैयार हो? अगर तैयार हो तो 1 तारीख को सब लोग मिलके कमल के फूल पे मोहर लगाने को तैयार हो? अरे खड़े हुए हैं आपके नंदलाल जी यहीं, और नंदलाल जी को मैं क्या कहना, इतने साल हो गए कि परिवार के अंश ही हो गए हैं। आपको नहीं समझ में आएगा कि प्रतापगढ़ नंदलाल जी के बिना क्या हो सकता है, और नंदलाल जी को भी नहीं भाएगा कि मैं इन बिना प्रतापगढ़ के, मेरे परिवार के लोगों के बिना मैं तो अधूरा ही रह जाऊंगा। और इसीलिए मैं तो कहने आई हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी आप लोगों के लिए दे दी है, जिस व्यक्ति ने 4 और समय आप लोगों के लिए दौड़ धूप करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, इस व्यक्ति को तो दिल में समाने का काम के सिवा और कुछ बचा है? इसलिए जाग रहे सब लोग, ये माला मेरे हाथ में है, मैं तो पहनाने आई हूँ भैया, इसीलिए तो आपने बुलाया है मुझे, और अगर इसीलिए बुलाया तो जोरदार तरीके से बताओ मैं दौड़ दूँ। तो आप लोगों ने तो तय ही कर लिया, मेरे को तो वैसे ही हाथ लगाने के लिए बुलाया था, तो मैं तो आप लोगों को बहुत सारा प्यार देने आई हूँ, या जिता के भेजोगे मैं आपको विश्वास जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप छोड़ोगे नहीं, या आप जिता के भेजोगे तो आप ये मानना कि राजस्थान की सरकार बन गई, और ये तो ट्रेलर है भाई, ये इसके बाद तो अपनी भारत सरकार की सरकार बन गई, और तख्ता पलटेगा राजस्थान का ही नहीं, हिंदुस्तान का भी साथ में पलटेगा, और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, और आपके नए राजस्थान और नए हिंदुस्तान का काम चल पड़ेगा। इतना ही मैं आपको यह कहने आया, आपको सबको बहुत सारा प्यार और सबको बहुत सारा धन्यवाद। याद रखना 1 तारीख गौतम लाल जी।
टीचर भी अपने दिल का ही टुकड़ा है, ये याद रखना। और हमारा वोट, आप ये मानिए, जो वोट आप नंदलाल जी को देते हो, जो वोट आप गौतम को देते हो, वो मेरा वोट है। आपने ये समझ के चलना कि मेरा ही वोट, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। उनको बनाओ जिताओगे तो आस पास के क्षेत्र के अंदर सबको कह देना कि गौतम लाल मीणा भी जीत के आएगा। और ये विश्वास मैं आप सबको दिलाना चाहती हूँ कि ये गौतम लाल मीणा भी आपके सामने से हटने वाला नहीं है, आपके चरणों का दास है, काम करेगा, सेवा करेगा और मेरे पीछे पड़ के ये सब पूरे काम कराने में सक्षम रहेगा। इसलिए मैं विश्वास दिलाओ कि इनको मैं माला पहनाऊ कि नहीं, जय जय।